एक औरत संभोग करने से तब तक मना नहीं करती जब तक उसकी योनि की ज्वाला शांत नहीं हो जाती। लिंग का बड़ा होना या छोटा होना मायने नहीं रखता, बल्कि लिंग में कसावट होने से योनि को ज्यादा आनंद मिलता है। संभोग के आनंद की शुरुआत चमड़ी के स्पर्श से शुरू होती है और वीर्य पतन पर खत्म हो जाती है। कुछ महिलाएं संभोग के दौरान लिंग डलवाने से पहले योनि को सहलाती हैं। जिस पत्नी को अपने पति का डर नहीं होता, वो कभी भी किसी आदमी से अवैध संबंध बना सकती है। पुरुष का लिंग बड़ा हो और अगर संभोग लंबे समय तक किया जाए तो महिला की योनि पर सूजन आ जाती है। ज्यादातर पुरुष स्त्रियों के स्तन और पीछे का भाग देखना पसंद करते हैं। महिलाओं के खुले स्तनों को देखने से महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। कामोत्तेजना में आई हुई औरत की योनि में जब कोई पुरुष उंगली डालता है तो उस औरत को लिंग का एहसास होता है। संभोग के दौरान हर एक स्त्री की यही इच्छा होती है कि पुरुष उसकी योनि को पूरी तरह संतुष्ट करे। महिलाओं की योनि की गहराई अलग अलग होने के कारण पुरुष को संभोग का आनंद भी अलग अलग तरह का मिलता है। कुंबारी लड़की अगर छोटी उम्र में करती है तो उसका कुंबारापन भी भंग हो जाता है। यौन क्रियाओं से किसी भी रिश्ते की मजबूती में सुधार किया जा सकता है। प्रकाश के अनुभव को जानने के लिए हमें सबसे पहले अंधकार का अनुभव करना होगा। जिन महिलाओं को शारीरिक रूप से संभोग का आनंद नहीं मिलता, उन महिलाओं के अवैध संबंध होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। संभोग के दौरान जिस स्त्री का पेशाब निकल जाए तो समझो उस स्त्री की योनि बहुत ही क्षीण होती है। जिस स्त्री की योनि छोटी होती है उसको संभोग करने पर दर्द भी ज्यादा होता है। अच्छे दोस्त की पहचान यही होती है कि वो बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़ता। साइकोलॉजी के अनुसार शराब पीने पर आदमी के दिमाग में जो बात आती है वो ज्यादा देर तक दिमाग में ही रहती है।